हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों मैं फिर लेके आया हूँ भारतीय संविधान का जो एकदम चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में भाग एक में पढ़ा रहा था। भाग एक अनुच्छेद एक से चार के बीच में है। मैं अनुच्छेद एक से लेके तीन तक इसके दो वीडियो बना चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है। तीसरे वीडियो में हमने आपको अनुच्छेद चार को रखा है और इसके साथ ये भी रखा है कि भारत के किस प्रकार से एकीकरण किया गया था और भारत के जो मतलब स्वतंत्रता के बाद जो विद्रोह चल रहा था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, हम अलग राज्य अलग देश बन के रहेंगे, उनको भारत में किस प्रकार से मिलाया गया। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भारत में किस आधार पर स्टेट बनाए गए थे और भाषाई आधार पर कितने समितियाँ बनाई गई और किस समिति के अनुसार भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को अलग किया गया। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का हम लोग भाग एक पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब 22 भाग हैं तो भाग एक पढ़ रहे थे। ए भाग एक में एक से चार तक आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकल्स में हमने अनुच्छेद एक को अलग, दो तीन को अलग अलग करके हमने पढ़ लिया। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से देख लीजिए या गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट से देख लीजिए। आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद चार का। किसका? अनुच्छेद चार का। कि क्या है अनुच्छेद चार? अनुच्छेद चार यह कहता है कि जब भारतीय संसद, कौन सी संसद? भारतीय संसद जब अनुच्छेद दो पर और अनुच्छेद तीन पर कार्य प्रगति पर हो, यानी कार्य कर रही हो, यानी अनुच्छेद दो और अनुच्छेद तीन क्या है पहले समझ लो। कह रहा है कि अगर भारतीय संसद अनुच्छेद दो और अनुच्छेद तीन पर कार्य प्रगति पर चल रहा हो तो राष्ट्रपति को उस समय सूस बन जाना चाहिए, कोई भी विरोध या ऑब्जेक्शन नहीं करना है, उनको उस पर क्या करना है? साइन करना ही है। यह संविधान के आर्टिकल्स चार में लिखा गया है। अब क्या है अनुच्छेद दो और अनुच्छेद तीन? अनुच्छेद दो और तीन में मैं आपको बता चुका था कि जब किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा रहा हो, ठीक, या भारत के किसी स्टेट को दो राज्यों में बांटा जा रहा हो, या दो राज्यों को मर्ज किया जा रहा हो, या भारत के किसी राज्य का नाम बदला जा रहा हो, तो यानी राज्यों से संबंधित परिवर्तन और किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा रहा हो, इन दोनों आर्टिकल्स में से कोई भी आर्टिकल्स पे काम चल रहा हो तो राष्ट्रपति को उस समय अपना क्या करना चाहिए? मुंह सील के रखना चाहिए, एकदम मुंह बंद करके रखना चाहिए, वो विरोध नहीं कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में आया? देखो, ऐसे ही भारत को अफगानिस्तान पे एक रेखा खींच दिया गया। पहले वो भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा बनाती थी। कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। अभी जब 1947 के बाद पाकिस्तान अलग हो गया तब अब डूरंड रेखा किसकी सीमा रेखा बना रही है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रेखा बना रही है। पहले वो भारत और अफगानिस्तान की रेखा, डूरंड रेखा कब खींच दिया गया? 1893 में, और अफगानिस्तान हमसे क्या हो गया? अलग हो गया। ऐसे ही बर्मा जो है, जिसको अब म्यांमार बोला जाता है, 1935 में भारत से क्या हो गया? अलग हो गया। ये पूर्वी साइड में देश था। पाकिस्तान जो कैंसर देश है, यह 1947 में हमसे क्या हो गया? छीन गया। कितनी रियासतों के साथ? 13 रियासतों के साथ। यानी 13 रियासतों के साथ पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को क्या हो गया? भारत से अलग हो गया। भारत जो है, कहीं कहीं आपको 565 रियासत आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं 563 देखने को मिलेगा, लेकिन फाइनली मतलब जो किताबों में मिलता है, 552 रियासतों में से 549 रियासतों ने क्या कर लिया? विलय कर लिया। तीन ठो सब क्या किए? लतखोराई किए। उन तीनों के बारे में हम लोग आगे अभी जान रहे हैं। यानी कि 549 तो विलय करा लिया गया, और विलय कराने में सरदार पटेल का बहुत बड़ा क्या रहा है बाबू? योगदान रहा है। बीपी मेनन का रहा है। इन लोगों ने बहुत सूझबूझ के साथ जो है, नहीं तो अंग्रेज जो थे वो भारत के क्या करना चाहते थे? खंड खंड करके जाना चाहते थे। जैसे लड़का नहीं सब घर घर होना खेलता है, और जब उसको निकाल दीजिए तो घर और वह बिगाड़ उगाड़ के भाग जाता है, ऐसे ही 552 खंड करना चाहते थे। सबको कहे तू जात के आधार पर मांगो, धर्म के आधार, हाँ देने वाले हम ही है ना। लेकिन सरदार पटेल की सूझबूझ के साथ जो है, सभी देसी रियासतों को भारत में क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। तीन ठो गड़बड़ हो गया। तीन कौन कौन सा था बाबू? एक था हैदराबाद, ठीक है, और एक था जूनागढ़, यह पड़ता है गुजरात में, और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, जो हैदराबाद का जो नवाब था, ठीक है, वो कहता था कि हम कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में जाएंगे।
ठीक है। तो पाकिस्तान में जाने के लिए बड़ा लालायित था, वहां पे पटेल जी ने क्या कर लिया, ऑपरेशन पोलो चला दिया, क्योंकि उस समय आर्मी को लगाना बैन बैन था, पाकिस्तान को भी और हिंदुस्तान को भी। तो पटेल जी जो बहुत बहुत दबंग टाइप के थे, जितने बोलते नहीं थे उससे ज्यादा खतरनाक आदमी थे। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिला लिया गया किस में, भारत में, यानी आर्मी को भेजा गया, आर्मी को भेजा गया हैदराबाद में पुलिस की वर्दी पहना के बाकायदे से, यानी स्टेट पुलिस की वर्दी पहना के भेजा गया, और आर्मी वाले जाके यहाँ इतनी थुराई किए कि यहाँ का जो नवाब था वो क्या हो गया, भाग गया। तो हैदराबाद भारत में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया, किस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हैदराबाद को किस के तहत मिला गया भारत में, ऑपरेशन पोलो के तहत। ऑपरेशन पोलो किसने चलाया था, भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जूनागढ़ जो गुजरात में था, यहाँ का जो निजाम था यह कहता था कि हम जो है अलग देश की मांग करते हैं, ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान, हम अलग देश रहेंगे। तो सरदार पटेल ने कहा कैसा कैसे हो सकता है भाई, तुम्हारे देश की जनता कहाँ जाना चाहती है, तो कहा मेरे पास रहना चाहती है। तो कहे ठीक है, तो एक जनमत संग्रह करा लो। जनमत संग्रह क्या होता है बाबू, कि वहाँ के लोगों से पूछा जाए कि भैया तुम कहाँ रहना चाहते हो, भारत में रहना चाहते हो कि पाकिस्तान जाना चाहते हो कि खुद एक अलग देश रहना चाहते हो, ठीक है। तो वहाँ जनमत संग्रह कराया गया, तो बड़ी वहाँ की जनता बहुत समझदार थी, 90% जनता का वोट भारत में रहने के पक्ष में आया, और 90% जनता होशियार थी, क्योंकि जान रही थी कि गुजरात से सटा हुआ पाकिस्तान है और इधर इंडिया हो जाएगा, बीच में हम हो जाएंगे, इधर से इंडिया तो थुरबे करेगा, इधर पाकिस्तान जो है इस्लामिक राष्ट्र बन रहा है और हम लोगों को छोड़ेगा नहीं, ये बार बार जो है कि टॉर्चर करता रहेगा, ठीक है। तो 90% जनसंख्या ने कहा कि हम कहाँ मिलेंगे, इंडिया में मिलेंगे। तो ऑपरेशन जनमत संग्रह चला के जो है क्या किया गया, जूनागढ़ को मिला लिया गया। सबसे ज्यादा दिक्कत जो फंसा था वो जम्मू कश्मीर में फंसा था। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे, राजा हरि सिंह थे, और उनका प्रधानमंत्री कौन था, शेख अब्दुल्ला था। ये बहुत चलाक था, ये जो राजा हरि सिंह थे, इनका जो राज्य था वहां रहने वाले लोग मुस्लिम थे, राजा हिंदू था, प्रधानमंत्री मुस्लिम था। तो ये सोचता था कि राजा हरि सिंह को किसी तरीके से अलग एक राष्ट्र बनवा दिया जाए, बाद में इनका निपटारा कर देंगे और फिर राज कौन भोगेगा, शेख अब्दुल्ला भोगेंगे। तो शेख अब्दुल्ला इनका क्या था, प्रधानमंत्री था राजा हरि सिंह का। तो ये शेख अब्दुल्ला जो था, इसने राजा हरि सिंह को समझाया कि आप एक काम करिए, आप भारत में मत मिलिए ना पाकिस्तान में मिलिए, आप अलग एक देश मांगिए। तो इन्होंने क्या किया, अपना एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया। तो भारत काहे लड़ने जाए, भारत आज तक किसी पे हमला नहीं किया। भारत ने कहा ठीक है भैया कोनो बात नहीं। तो पाकिस्तान अलग हुआ, इंडिया अलग हुआ, बीच में जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य बन गया। आज जैसे हम लोग अलग हुए, पाकिस्तान ने तुरंत हमला कर दिया किस पे, जम्मू कश्मीर पे। अब राजा हरि सिंह एकदम घबराए हुए थे, अब क्या करें, इनके पास इतनी फौज नहीं थी कि वो पाकिस्तान से लड़े। तो शेख अब्दुल्ला को भेजा कि जाइए भारत के, भारत से मदद मांगिए, हमारी रक्षा करें। तो नेहरू जी के पास आए, नेहरू जी ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो भाई सेना लगाओ। ए पटेल जी देखिए, तो पटेल जी के भाई भारत छोड़िए, नहीं कोई कोनो मदद उदर नहीं होगा, पहले भेजिए इसके प्रधानमंत्री को मेरे पास। तो प्रधानमंत्री को बुलाए और समझाए, कहे देखो भारत मदद तभी करेगा जब तुम भारत में क्या करोगे, विलय करोगे। तो विलय पत्र के तहत, विलय पत्र के तहत 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जम्मू कश्मीर को धारा 370 यानी विशेष राज्य का दर्जा जो है, शेख अब्दुल्ला यहाँ भी अपना गोटी सेट कर दिया, बाद में इसी के तहत हम लोग खूब लाभ उठाएंगे ना। तो विशेष मतलब धारा के अंतर्गत, धारा 370 के तहत 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जम्मू कश्मीर को क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। और विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर हुआ, तब भारत के गृह मंत्री जो थे सरदार पटेल ने ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजा, और ब्रिगेडियर उस्मानी इतने ताकतवर थे, 1200 पाकिस्तानियों को धो दिया था। और पाकिस्तान का जो पीओके का क्षेत्र है, जिस दिन भारतीय सेना मतलब ब्रिगेडियर उस्मानी के नेतृत्व में गई, तो पीओके के क्षेत्र पे जहां पाकिस्तान ने कब्जा किया था, उससे एक इंची भी आज भी वो आगे नहीं बढ़ सका है, ठीक है। तो वहीं पे वो आगे जाके जो है कि ये शहीद हो जाते हैं, ब्रिगेडियर उस्मानी। और शेख अब्दुल्ला के बाद इसका बेटा फारूक अब्दुल्ला और उसका बेटा उमर अब्दुल्ला आज तक धारा 370 के तहत पाकिस्तान से अलगे अपना अपना जो है कि मामला उठाते रहते थे।
आ गए अमित शाह और मोदी, धारा सिंह 370 समाप्त कर दिया, 70 समाप्त। समाप्त करने के बाद उसको राज्य भी नहीं छोड़ा कि राज्य रहेगा तो फिर सब आग उगलेगा, उसको बना दिया केंद्र शासित प्रदेश और उसका कंट्रोल सीधे कहाँ, दिल्ली। अब म्याऊं म्याऊं करोगे गला वहीं पे दाब दिया जाएगा, धारा 370 क्या हो गया, समाप्त। समझ में आया? नहीं तो धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में किसी भारत के अदर स्टेट के लोग वहाँ जाके जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ की लड़की से विवाह नहीं कर सकते थे, वहाँ का अलग संविधान चलता था, वहाँ का अलग फ्लैग था, झंडा था, वहाँ का अलग जो है राग अलापते रहते थे धारा 370 के तहत। संसद में कानून बना के धारा 370 क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब वो क्या हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब उस कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, दिल्ली के हाथ में रहेगा। अब मे माँ करेंगे तो दिमाग सही हो जाएगा। तो ये था अनुच्छेद 4 हम लोग देखे हैं और किस प्रकार से भारत के 3 राज्यों का विलय किया गया था। अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि भारत के जो स्टेट बनाए गए थे, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था तो 4 ही प्रकार के स्टेट थे, ए बी सी डी, वो क्या था और किस आधार से आंध्र प्रदेश में जो है कि मांग उठा अलग स्टेट बनाने का, और किस व्यक्ति ने आंदोलन में भूख हड़ताल पे मर गए और उसके बाद पूरे देश में विद्रोह फैल गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को समिति बनानी पड़ी और भारत को भाषाई आधार पे 2 समितियों ने नकार दिया, लेकिन तीसरी समिति ने भाषाई आधार पे भारत को स्टेट बनाने का मौका दे दिया, इसको अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।